यो व्हाट्स अप क्लैशर्स, कैसे हो सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू क्लैश ऑफ क्लैन स्ट्रेटजी वीडियो में। तो गाइज, दो दिन पहले हमारी गेम में तीन चैलेंज आए थे जो कि बहुत मतलब हार्ड लग रहे थे मेरे भाई लोगों को। तो मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। जो चैलेंज है लून्स एंड आइस आइस बेबी एंड एक और था जिसका नाम है स्निकी। ठीक है, तो उसको मैं आज बताऊंगा कि आपको कैसे कंप्लीट करना है। बहुत ही ईजिली आप कंप्लीट कर सकते हो तीनों के तीनों चैलेंज, वो भी एक एक बारी में। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आप 3 कर लेना और अच्छे से इवेंट कंप्लीट कर लेना, और बहुत अच्छे अच्छे ऑसम से रिवार्ड भी हैं उसके साथ। तो वो कौन नहीं लेना चाहता भाई, फिर तो आप वीडियो को विदाउट देखे जा सकते हो। जो लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे इवेंट कंप्लीट करना है। तो अगर गाइस अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, घंटी बटन नहीं दबाया तो पहले वो दबा दो क्योंकि आपको आगे टाइम नहीं मिलने वाला। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस गेम हम अपनी कर लेते हैं ऑन फटाफट से। तो आ चुके हैं गेम में। तो हम इस वीडियो में बताने वाले टीएस 12 की स्ट्रेटजी कि आपको कैसे कमेंट करना है टीएस 12 से। अगर आपको कोई और मतलब और कोई टाउन की भी चाहिए तो मेरे को ज़रूर बता देना। यहाँ पे देखो 30 हमारा जो प्लस हुआ था 3 स्टार के साथ, तो ये वाला अटैक देख लो सबसे पहले। तो ये वाली आर्मी है 20 आपके लूम्स, 6 आपके बेबी ड्रैगन्स और 4 आपके हो जाएंगे अपने लावा हॉर्न्स। ठीक है, उसके बाद सीसी में एक स्निकी ले जाना तो उसके साथ आपका कम्प्लीट हो जाएगा। एंड बैट स्पेल लेके गया 6 बैट स्पेल। ठीक है, आपको पहले क्या करना है अपने बेबी ड्रैगन के साथ ना अच्छी सारी फनलिंग बना लेनी है अच्छे से। ठीक है, क्रिएट करनी है फनलिंग, जैसे भी 6 फनल मैं बना रहा हूँ अच्छे से, मतलब 6 बेबी ड्रैगन यूज़ कर रहा हूँ और फनल बना रहे हैं अच्छे से। ठीक है, पीछे से आपको सारे के सारे लून्स और अपने चारों के चारे अलावा हॉर्न पॉप्स जो डाल देने हैं बहुत अच्छे से। पीछे अपना वार्डन आ जाएगा और उसके पीछे जो आएगा हमारा बैटल ब्लेम। ठीक है, वार्डन की जो एबिलिटी है जब बैटल ब्लेम फूट जाएगा तब आपको यूज़ करनी है, जब टाउन हॉल फूट जाएगा। ठीक है, जिससे आपके लून्स भी बच जाएं और टाउन हॉल भी फूट जाए, जो उसका डैमेज होता है ना टाउन हॉल का, तो वो नहीं मिलना। ठीक है, वो मिलने नहीं देना आपके अपने लून्स को। तो चलो अभी आपको बहुत अच्छे रेंज स्पेल यूज़ करना है आपका एक। ठीक है, सेंटर में जिससे दोनों जो कोर है ना लून्स के वो अच्छे से बन जाए। पीछे से आपको क्या करना है अपने सारे के सारे बैट स्पेल्स डाल देने हैं। 6 के 6 बैट स्पेल आपको डाल देने हैं और फीस वाले को ऐसे यूज़ करना है जिससे आपके जो बैट स्पेल है ना विजार्ड टावर का हिट बिल्कुल ना पड़ पाए उस पर। ठीक है, बिल्कुल हो ही ना पाए, आपको इस हिसाब से यूज़ कर लेने अपने जो फ्रीज होते हैं। तो यहाँ पे देखो बेबी ड्रैगन्स हो गए हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा फनल बनाया। उसके बाद लूम्स ने सारा जो डिफेंस होता है वो निकाला और जो बैट स्पेल्स हैं उन्होंने तो भाई आगे लगा दिया, आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, और ईगल आर्टरी भी मिल गई, ये हमारा बेस हो गया था 3 स्टार। तो मतलब इसको ना ये स्ट्रेटजी के साथ आप कोई भी बेस 3 स्टार कर सकते। बस गाइस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने बताया, बेबी ड्रैगन से फनल बनाओ, ठीक है, उसके बाद लून से डिफेंस निकालो और पीछे से बैट स्पेल का हल्ला बोल दो। ठीक है जी, लो जी हो गया 3 स्टार। और आपको एक और दिखाते हैं ऐसा ही अटैक हमारा जो कि हमने किया था यही वाली स्ट्रेटजी के साथ एक और बेस पे, जो कि बेस अच्छा खासा था वो भी। तो दिखाता हूँ वो किधर गया। हाँ, 25 प्लस, ये रहा भाई वो वाला बेस। ठीक है, अभी देखो ये वाले बेस में ना इसके जो मल्टी है, मल्टी इन्फिनो देख ही रहे हो ना, तो मैंने इसलिए इस पे अटैक किया कि आपको दिखा दूं कि मल्टी ऊपर भी ये वाली स्ट्रेटजी पूरा का पूरा अच्छे से वर्क करती है। तो देखो बेबी ड्रैगन से मैं फनल क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। जितनी वैल्यू निकाल सकते हैं ना बेबी ड्रैगन से वैल्यू निकाल लो, मतलब ठीक है इसकी चोरी कर लो सारी की सारी वैल्यू। अभी देखो मैंने 9 o'clock पे डाले, 3 o'clock पे, हाँ, तो उसके बाद फनल क्रिएट कर लिया और लावा सारे के सारे छोड़ दिए, पीछे से डाल दिया मैंने सारे के सारे लूज, फिर वार्डन आ जाएगा, फिर हमारा बैटल मशीन आ जाएगी। बस ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी, अभी देखना मैं वार्डन की एबिलिटी है वो पूरी की पूरी बचा के रखूंगा। यहाँ पे रेंज स्पेल आपको यूज़ कर लेना है और टाउन हॉल पे आपको मतलब एबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है वार्डन की, क्योंकि ये टाउन हॉल उसका लेवल 3 का है तो लेवल 5 का फूटता है। तो पीछे से अब मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी बैट्स, ठीक है, लावा बैट्स स्टार्ट कर दिए बहुत ही अच्छे तरीके से। साइड्स पे मैंने क्वीन डाल दी खतरनाक तरीके से, और देखो वार्डन की एबिलिटी मैंने अभी तक बचा के रखी हुई है भाई, तो अभी मैंने यूज़ कर दी, देख सकते हो कितनी देर तक मैंने बचा के रखी वार्डन की एबिलिटी। क्योंकि टाउन हॉल अगर टाउन हॉल लेवल 5 का है तो आप ज़रूर यूज़ करो वार्डन की एबिलिटी, नहीं तो जब आपका मन करे तब यूज़ कर दो। देख ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने फ्रीज स्पेल कर दिया ना, देखो एक फ्रीज मैं और डाल दूंगा, देखो फ्रीज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, मल्टी इन्फिनियो भाई निकाल दिया हमने। एक फ्रीज स्पेल डालते ही हमारे बैट स्पेल ने सारा का सारा निकाल दिया। यहाँ पे मैंने एक और फ्रीज डाला क्योंकि उधर विजार्ड टावर था, वो जी का जान निकाल लेता भाई, समझे।
चलो आपको 3 मिनट मिलते हैं ना अटैक करने के लिए, ये आपका 2 मिनट में सारा का सारा बेस खत्म करके आपको फ्री कर देगा, समझ रहे हो। एंड ये बहुत जल्दी ट्रेन भी हो जाती है ये वाली आर्मी, मतलब आपको ना जो आपके बैट स्पेल्स हैं उनको लेवल 6 का कर लो, लेवल 5 का है ना, लेवल 5 की होती है मैक्स। हाँ, TS 12 पर भाई आप देख सकते हो जो बैट स्पेल हैं वो लेवल 5 के होते हैं। अगर आप लेवल 1 का लेके जा रहे हो ना तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, तो एटलीस्ट भाई 4 का रखो, 3 का रखो, इतना तो रखो, ठीक है। ये लो भैया, ये भी हमारा 3 स्टार हो गया। चलो एक अटैक आपको और दिखाते हैं, आपको एक और अटैक दिखाता हूँ जो हमारा, चलो 3 स्टार नहीं हुआ था बट अच्छा हुआ था, ठीक है। चलो लेट्स गो, किधर गया वो वाला अटैक भी। चलो भैया, चलो 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 सर भाई, ये वाला तो दिखा दिया था ना मैंने, 25 वाला शायद दिखा दिया था, तो एक तो 30 वाला हो गया। एक ऊपर स्क्रोल करता हूँ और भाई, और अच्छा और कोई है ही नहीं। ओके, तो भाई ये 2 अटैक थे जो हमारे 3 हुए थे, बाकी भी देखो 2 स्टार निकाले हैं, मतलब आप इवेंट ज़रूर कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा मेरे चार, ठीक है। अगर आपको कोई और स्ट्रेटजी, मतलब TS 13 के प्रति TS 12, TH 10, TH 9 के साथ आपको इवेंट कंप्लीट करना है, उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा अपना कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसके प्रति वीडियो बना दूंगा और आपको इवेंट करके कंप्लीट करके दिखा दूंगा वो वाले टाउन हॉल के साथ भी, क्योंकि गाइज आपके लिए हम एनी टाइम रेडी रहते हैं। आप भी हमें बस ऐसी सपोर्ट दिखाते रहो, मोटिवेट करते रहो हमें कि आगे आगे वीडियोस डालते रहो अंकुश भैया, ठीक है। हमें आपकी वीडियोस चाहिए और हम ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे आपको, बस अपने भाई को ऐसे मोटिवेट कर दिया करो, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड हम जो हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है मैंने उसका मतलब बताऊंगा, 5K जल्दी से कंप्लीट करवा दो मेरे भाई, कह रहा हूं अभी भी करवा दो, बहुत कम अभी क्लोज है 5K थे, ठीक है, जल्दी से भाई हो जाएंगे। चलो आज के लिए बस इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम मेरे भाइयों।